मैंगो जेली मीन्स मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम ग्रेटेड मैंगो लिया। इसे अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया। उसका एक्स्ट्रा पानी हम निचोड़ के निकाल लेते हैं। तो सभी आम का पानी मैंने निकाल लिया। ये देखिए पानी इतना निकल गया है इससे। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी का यूज़ करें। आम जैसा खट्टा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी का यूज़ करें। और चीनी को डालकर मैंने गैस में चढ़ा दिया। तो इन सभी को हम अच्छे से कुक करते हैं। चीनी डालने के बाद देखिए ये मेल्ट हो गया और थोड़ा पहले से वाटरी हो गया है। अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसे पकने में। मीन्स जब तक चीनी चाशनी ना बन जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है। और इसको आप हाथ से चेक कर लीजिए, जब इसमें तार दिखने लगे तो मीन्स ये रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले यूज़ करते हैं। तो मैं ले रही हूँ काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सौंफ पाउडर। इन सभी को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। सभी मसालों को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। कम से कम एक से डेढ़ मिनट और इसे मैं पका लेती हूँ उस टाइप से। तो ये रेडी हो चुका है। इसे आराम से आप 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए इसके लच्छे भी बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप इसे किसी भी स्टफ पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। सेम मेथड से मैंने जैम भी बनाया है। बस अंतर ये है कि कद्दूकस करके मैंने आम को नहीं लिया है, उसका मैंने फाइन पेस्ट लिया है और चीनी की जगह मैंने गुड़ का यूज़ किया है। सेम प्रोसेस है बट टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो आप दोनों को ट्राई करें, इन्जॉय करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।